हेलो एवरीवन, हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का, लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बातें की थी, जिसमें हमने दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स को समझा था, मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, प्लस दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है वो कंडीशन देखी थी। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। तो एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी को फाइंड करना है। इफ दो मैट्रिक्स दे रखे हमको, पहले 2x2 की मैट्रिक्स है ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 की, और ये बराबर है एक और 2x2 की मैट्रिक्स के बराबर है, -1 यहाँ पे, 5 यहाँ, 0 और यहाँ 13, ये दोनों बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप भाई बताइए कि ए बी सी डी तीनों चारों की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये, क्योंकि जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बराबर होंगे, ठीक है। तो a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के, और यहां से हमको दिख रहा है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर होगा, तो 2a माइनस बी किसके बराबर है, 0 के। इससे पता चल गया 2a इक्वल्स टू बी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन से मुझे 2a b के बराबर पता चल गया। अब b की वैल्यू 2a यहां पुट कर देता हूं, तो a माइनस 2a इक्वल्स टू -1, यानी माइनस a इक्वल्स टू -1, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए आपको करा दिया। ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 1 पुट किया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। सेम यहां से देखें तो मुझे मिल गया 2a प्लस सी, 2a प्लस सी किसके बराबर है, 5 के। ये वाला एलिमेंट इस वाला एलिमेंट, ए की वैल्यू अभी 1 निकाला, 1 वैल्यू डाल दी, इक्वल्स टू 5, यानी c इक्वल्स टू 3 आ गया हमारे पास। और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, तो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, c की वैल्यू 3 यहाँ पर डाल दिया, यानी 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो d इक्वल्स टू 4 आ गया। यानी आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने ए बी सी डी की चारों की वैल्यूज निकाले, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry 0 or 1 is, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, एक मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की, आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो 3x3 की, अगर सिर्फ और सिर्फ उसमें एलिमेंट 0 और 1 ही है। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ये बना दी 3x3 की, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक मैट्रिक्स ही हो गई, या सारे 1 ले लिए मैंने, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, या 1 0 ले लिया, 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 2 0 ले लिए, 0 0 1 1 1 1 1 1, तो ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, आपको यहाँ पे केसेस बनाने परमुटेशन। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट्स, 3x3 की मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद होगा, और एलिमेंट्स हर पोजीशन पे सिर्फ 2 ही नंबर्स जा सकते हैं, 0 या 1। तो बताइए फर्स्ट इधर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2, कौन सा, 0 या 1। इस वाली पोजिशन में भी 2, इस वाली पोजिशन में भी 2, ऐसे टोटल 9 पोजीशंस में 2 आएंगी टोटल, ठीक है, ऐसे करते करते। यानी मेरे पास जो टोटल केसेस होंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगी वो क्या होगी, 2 की पावर
9, और 2 की पावर 9 कितने होते हैं, 512। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया आपका। तो हम अब जो है सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमको ऑपरेशंस पढ़ना है, सेकेंड एक्सरसाइज में हमको ऑपरेशंस पढ़ना है रिलेटेड टू मैट्रिसेस। ठीक है, तो चार ऑपरेशंस हम देखेंगे, तो मैं इधर लिखता हूं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस के बीच में क्या क्या चीजें, या इवन एक मैट्रिक्स, एक ऑपरेशन एक मैट्रिक्स के बीच में भी लग सकता है, क्या क्या ऑपरेशन है। तो सब फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, दो मैट्रिसेस का एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन। दूसरा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बोलें या डिफरेंस बोलें कि दो मैट्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। थर्ड जो होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से, स्केलर वैल्यू से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 10, 2 by 3, मतलब किसी भी नंबर से, कोई से भी रियल नंबर से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, रियल नंबर मतलब इरेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है, तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। और फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन, ये तीनों ऑपरेशंस काफी इजी है, मतलब आप बोलोगे ये पढ़ा भी क्यों रहे हो, बट ये वाला भी ऐसा नहीं है टफ है, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मे बी आप इसको गलत कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिस में आएगा, बाकी इजी तो ये भी है। ठीक है, ये भी टफ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के बीच का एडिशन। तो पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखें, एडिशन हमेशा सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के बीच में होगा। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स 2×3 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2×3 ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी उनके बीच में एडिशन हो सकता है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर 2×3, 2×3 सेम होना चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स का एडिशन टफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले ली यहाँ पे 3, 4, 1, 2, 6, 4, तो मुझे दिख रही है ये ए मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, तो इसमें मेरे को दिख रही है कि 1, 2, 2 तो रो है और 1, 2, 3 तीन कॉलम है ये। तो ए का एडिशन अगर मैं कोई बी मैट्रिक्स से कराऊं तो इम्पोर्टेंट है कि बी मैट्रिक्स भी 2×3 ऑर्डर की होनी चाहिए। मैंने लिख दिया −4, 1, 6, −2, 5, −8, ये दो मैट्रिक्स है, और आपको बोलता है बताइए ए प्लस बी एक नई मैट्रिक्स बनेगी, कोई मान लीजिए सी नाम दे दिया उसको, तो हमने जो ये सी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, तो उसका ऑर्डर भी 2×3 का ही ऑर्डर होगा। और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इसका फर्स्ट एलिमेंट को उसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर देना है, इसका सेकंड एलिमेंट को उसके सेकंड एलिमेंट से ऐड कर देना है, मतलब जो पर्टिकुलर जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको दूसरी मैट्रिक्स की उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड कर देना है। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से यहाँ ऐड किया, सेम ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट को मैंने इस मैट्रिक्स के फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट से ऐड किया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को मैंने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड किया, सेम 6+5 आ जाएगा और 4+-8 आ जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, −1, 5, 7, 0, 11 और −4। ठीक है, समझ में, बहुत सिंपल सा है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा खींचने की जरूरत है, फालतू के एग्जांपल्स कराने की जरूरत है, कोई भी एडिशन कोई भी कर सकता है बच्चा, सीधे सब्ट्रैक्शन में आता हूं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। ठीक है, और डिफरेंस भी बोल सकता है, तो मान लीजिए वही मेरे को दो ही मैट्रिक्स दे रखे, इसके लिए भी सेम वही चीज है कि डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन भी उन्हीं दो मैट्रिक्स के बीच में निकल सकता है,
जो कि सेम ऑर्डर की हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। और सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा कि सेम जो पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से माइनस कर देना। जैसे एग्जांपल वापस से कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस बार मैं 3x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3, 1, 2, 4, 5 और -8। चलिए इसमें भी ये माइनस ले लिया एक। और एक बी मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर की है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 3x2। तो बी जिसको अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी 3x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, -1, 4, -6, 8, 1, 2। मैंने ऐसी कोई दो मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। अब आपसे पूछता है बताइए ए माइनस बी क्या होगा, तो याद रखें पहले ए के एलिमेंट लिखें 3, उसमें से माइनस करें -1, ठीक है, फिर 1 में से माइनस होगा 4, -2 में से माइनस होगा -6, 4 में से माइनस होगा 8, 5 में से माइनस होगा 1 और -8 में से माइनस होगा 2। तो अगर मैं देखूं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आ गया ये 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये -10 हो गया, ठीक है। आपसे बी माइनस ए पूछे तो आप बी माइनस ए कर देंगे। बी माइनस ए के केस में आप क्या लिखोगे भाई, -1, -3, 4, -1, तो -6, -2 और 8, -4, 1, -5 और 2, -8। अब ये आंसर क्या होगा, इसमें देखिए -4, +3, -4, +4, यहाँ पे -4 और +10, ये आपकी ये मैट्रिक्स बन गई। तो सिंपल ये, और देखो आपकी जो मैट्रिक्स ये बन रही है जो इसका आंसर आ रहा है उसके बस सारे एलिमेंट्स को आपने माइनस लगा दिया, बस 4 था तो यहाँ -4 लगा दिया, -3 था तो 3 लगा दिया, 4 था तो -4, -4, तो इनके साइन चेंज कर दो तो आपको ए माइनस बी एकदम अपोजिट होगा बी माइनस ए के। तो सब्ट्रैक्शन भी काफी इजी है एज यूजुअल, जैसा एडिशन इजी है, ठीक है। अब हम डिफरेंस, हमने जो सब्ट्रैक्शन देख लिया मेरे ख्याल से और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर वैल्यू। स्केलर नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 कोई सभी रियल नंबर से आपने अगर कोई किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए मैट्रिक्स मैंने ये बना दी, बहुत ही सिंपल से बना दी, 2, 3, 4, 5 एक सिंपल मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, 2x2 की। उनसे बोल रहे 3a क्या होगा, तो 3a एक नई मैट्रिक्स हो जाएगी और 3a मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आप 3 है ये तो a है आपका 2, 3, 4, 5, उससे मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है 3, मैंने 3 आगे लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से हो जाएगा, मतलब 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और 15। सिंपल, जैसे अगर किसी ने मुझे बोला कि -2a क्या होगा, तो -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2, 3, 4, 5 से, तो आंसर क्या हो जाएगा -4, -6, -8 और -10, ठीक है। या किसी ने पूछा √2a क्या होगा, तो √2 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, 3, 4, 5 से, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करो, 2√2, ठीक है, 3√2, 4√2 और 5√2। बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स है विद स्केलर वैल्यू। अब जो मैंने बोला था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स
या तीन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जो फोर्थ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आप पहले उस पर फोकस करना तो आपको बड़ा ही इजी लगेगा मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहली चीज तो मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट था कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एडिशन हो रहा था या सब्ट्रैक्शन हो रहा था दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज ठीक है, जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है एडिशन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एडिशन में ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, ठीक है, ये एडिशन में चलता है कम्यूटेटिव। आप ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करोगे तो एक ही बात होगी, किसमें, एडिशन में, ठीक है। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो लगती है, एडिशन में तो लगती है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। जब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है तो नहीं लगती, यानी ए माइनस बी बराबर नहीं होता बी माइनस ए के। हमने देखे था ए माइनस बी भी क्या था और बी माइनस ए भी क्या था, दो अलग आंसर आए थे। अच्छा यही बात अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की करूं तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा पहली चीज तो ये आपको समझ में आई। दूसरी चीज, जैसे एडिशन के लिए, जैसे मैंने बताया एडिशन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी ढंग से होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां पे भी ऑर्डर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है बट सेम नहीं होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है तो याद रखें कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, याद है ना कैसे लिखते थे हम, ए आई जे और एम इंटू एन, ठीक है, और मैं लिखता था आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 से m तक, और j की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से n तक, ऐसा कुछ लिखते थे। ये एक मैट्रिक्स है m इंटू n की। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू b निकालना है मुझे, तो b मैट्रिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि b मैट्रिक्स जो आएगा उसका जो नंबर ऑफ रो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए इसके नंबर ऑफ कॉलम से, यानी नंबर ऑफ कॉलम, इसका जो रो है कॉलम कितना एन है तो इसके रो एन होने चाहिए अगर ए इंटू बी चाहिए, ठीक है। बाकी इसका कॉलम कुछ भी हो, इसका कॉलम और इसका दोनों सेम होना चाहिए, याद रखें। अगर जितना कॉलम इसका है उतनी रोज इसके होने चाहिए तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, जो ए इंटू बी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर पता है कितना आएगा, ए इंटू बी का उसका ऑर्डर आएगा आपका एम इंटू पी। कितना ऑर्डर कहेगी, रोज तो होंगे उसकी इसके जितनी और कॉलम्स होंगे इसके जितना। वापस से एक एग्जांपल से समझते हैं, वापस से मैं लिखता हूं, मान लो ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और कितनी 2 × 3 ऑर्डर की है। तो याद रखें अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूं, ए इंटू बी निकालना चाहता हूं, तो बी मैट्रिक्स की रोज 3 ही होने चाहिए, जितने कॉलम यहां पे हैं तो इसके रोज सेम होने चाहिए तो 3 होना चाहिए। कॉलम कुछ भी हो, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, यहां पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। और जो आंसर आएगा ए इंटू बी का, बताइए क्या भाई क्या की आएगी, वो कितने भाई कितने की होगी, 2 × 2 की। जो इन दोनों को, जो ये जो है इन दोनों को हटा दो, बचे क्या, ये दोनों 2 × 2 की, तो ये भी का। जैसे एक और एग्जांपल लिखना, जैसे ए एक मैट्रिक्स है 3 × 4 की, कंडीशन क्या, अगर ए बी चाहिए तो बी कितना होना चाहिए, बी का कम से कम ये 4 तो आना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लिखो, मान लो मैंने इधर डाल दिया 4 × 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो इसके इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, ए बी हो पाएगा, ए बी, ठीक है, ए बी हो पाएगा। और ए बी का कितने बाई कितने की बनेगी, 3 × 4। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं क्या बी ए मिल पाएगा मेरे को, तो बी ए के लिए मेरे को देखना पड़ेगा क्या इसका कॉलम और इसके रो बराबर है, नहीं है, तो यहां पे बी ए आपको मिल ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट क्या इस क्वेश्चन में बी ए मिल पाएगा, तो मैं बी को पहले लिख लेता हूं 3 × 2
और एक को फिर लिखता हूं 2 into 3। हाँ देखिए, इसका और ये बराबर है इस केस में, तो जो बी ए जो मैट्रिक्स मिलेगी जब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में है तो वो 3 into 3 की मिलेगी। देखिए इधर तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, ए बी और बी ए का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो बराबर होने की तो बात ही नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में नहीं लगती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहीं पे, यहां पे तो बी ए इन हो ही नहीं पाएगा। देखिए बी ए क्यों नहीं हो पाएगा, वापस से देखिए बी को लिखता हूं तो बी में 4 रो और 4 कॉलम है और ए में 3 रो और 4 कॉलम है, ये दोनों सेम है ही नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन बी ए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तभी होगी जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो पहले जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, और फिर जो नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसके नंबर ऑफ रोज पहली वाली के नंबर ऑफ रोज जितने होंगे और उसके कॉलम पहली सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? तो पहली चीज तो बस आपको ये बेसिक क्राइटेरिया समझना है कि एक्चुअली में हम कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और कौन सी का नहीं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इजी से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं। तो एक मैंने मैट्रिक्स ली 2 into 2 की, और मैंने लिया 2, 1, 3 और 4, ये एक मैट्रिक्स ले ली, ये ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, कितने ऑर्डर की हो गई ये 2 into 2 ऑर्डर की। अब ध्यान रखें अगर मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है तो उसके जो रोज होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने रोज को तो 2 ही रखा बट कॉलम मैंने 3 ले लिया, यानी मैंने 2 into 3 ले लिया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ नंबर बना दिए मैंने बहुत सिंपल से। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछू क्या इनका मल्टी ए इंटू बी हो पाएगा, ए बी क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे हाँ पॉसिबल है। अगर मैं पूछूं ए और बी के जो ऑर्डर है ए इंटू बी का ऑर्डर कितना आएगा, तो मैंने बोला देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो 2 into 3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, चले अब करते कैसे हैं ये सीखते हैं। पहले तो आंसर तो पता चल गया कितना ऑर्डर, ऑर्डर पूछा मेरे से, ऑर्डर पहली चीज तो पॉसिबिलिटी है तो मल्टीप्लीकेशन ए बी की पॉसिबिलिटी है, जैसे बी ए की पॉसिबिलिटी है बी ए की नहीं है, इसके कॉलम 3 है और इसके रो 2 है, तो बी इंटू ए नहीं पॉसिबल है, सिर्फ ए इंटू बी पॉसिबल है। अच्छा ए इंटू बी पॉसिबल है, 2 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी, बनेगी कैसे, तो देखिए अब इसको ढंग से देखिएगा। पहले मैं फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लेता हूं और अब मैं सेकेंड मैट्रिक्स लिख लेता हूं, ठीक है, अब आंसर देखिएगा कैसे लिखेंगे हम। ये बनेगी 2 रोज और 3 कॉलम्स, तो मैंने यहाँ पे तो हमको यहां पे तो लेनी है, पहले इधर केस में लेनी है रो, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे फर्स्ट मेरे को एलिमेंट मिलेगा आंसर का ए इंटू बी का। इसमें मैंने क्या ली फर्स्ट रो और इसकी क्या ली फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4, ये दोनों मिला के दोनों का सम मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिला इस नई मैट्रिक्स का। ठीक है, कौन सा यहां पे क्या मिला, इसका फर्स्ट रो एंड उसका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, चलिए अब जो सेकंड एलिमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, इसको चेंज नहीं कर रहे हम फर्स्ट रो, अभी रो फर्स्ट ही है क्योंकि इसमें फर्स्ट रो ही चल रही है ना, तो इसमें भी पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ही चलेगा, बस कॉलम्स चेंज होते जाएंगे। चलिए 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया 4, और 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना आया 5। ठीक है, कैसे मिला ये मेरे को मैट्रिक्स, पहली वाली मैट्रिक्स की तो फर्स्ट रो ही रहेगी एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम रहेगी, इसका सेकंड कॉलम, थर्ड वाला इसका फर्स्ट रो ही रहेगा और इसका कॉलम थर्ड आ गया। ठीक है, चलिए 2 मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आया 6, और 1 मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो आंसर आया 6,
ये मुझे फर्स्ट रो मिल गई मेरे रिजल्ट की, ए इंटू बी की। वापस से रो पहली वाली, जब तीनों एलिमेंट्स का मिलेंगे रो पहली वाली को ही रखें, एक एक करके कॉलम्स लें, फर्स्ट जो एलिमेंट मिलेगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को यूज करके, तो 2 1 से 1 4 से, ठीक है, फिर 2 2 से 1 5 से, फिर 2 3 से 1 6 से, ये हमको अभी फर्स्ट एलिमेंट्स मिल गए, तीन एलिमेंट्स मिल गए। अब सेकंड एलिमेंट्स में जाते हैं, तो अब ये रो का काम कंप्लीट और सेकंड रो अब आ जाएगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अच्छा इसमें क्या हुआ, रो तो फर्स्ट ही रही और कॉलम कौन सा गया, थर्ड कॉलम, किसका थर्ड कॉलम, इसका सेकंड वाले का। अच्छा अब इस मल्टीप्लीकेशन में इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट, इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 से यानी 16, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 जा 6, और 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से यानी 20, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से यानी 9, और 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से यानी 24। देखिए ये वाला कैसे मिला, सेकंड रो इसकी और उसका फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट कैसे मिला, सेकंड रो, अब सेकंड ही रो चलेगी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब देखिए कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनी, बनी ना 3 2 2 × 3 की मैट्रिक्स, दो रो है और 3 कॉलम है, और आंसर क्या आएगा मैट्रिक्स का, ए इंटू बी हमको मिलेगा 6 9 12 19 26 और 33। ठीक है समझ में आपको, एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी है, ठीक है, और फिर आप लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, और फिर मैं कुछ अपने से क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बट आप पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है, और फिर लेक्चर्स यहीं खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और लिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ले ली और 3 × 2 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है, 3 × 2 यानी 2 1 6 −2 4 और 3, ये लिया मैंने, तो कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स है ये, 3 रोज है 2 कॉलम्स। याद रखें जो नेक्स्ट मैट्रिक्स होनी चाहिए उसकी रोज जो है वो 2 होनी चाहिए, तो मैंने बी एक मैट्रिक्स तभी ए इंटू बी मिलेगा, तो रोज 2 ही लेनी है मैंने। मान लीजिए मैंने 3 × 2 की मैट्रिक्स ले ली, तो 1 − 1 4 8 6 1 5, ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, और ये कितना है 2 × 3 की, और होना भी चाहिए था अगर मेरे को ये भी चाहिए, तो दोनों का ये इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। अच्छा आंसर कितने बाय कितने की आएगी, जो ए बी आएगी, जो ए बी का ऑर्डर आएगा रिजल्ट वो 3 × 3 का आएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, करना क्या है एक एक करके मैंने बताया, फर्स्ट ए बी जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा −1 से यानी −2, और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से यानी +6, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट, इसका तो फर्स्ट रो ही रहेगा, इसका कॉलम सेकंड आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से यानी 8, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से यानी 1। नेक्स्ट थर्ड इसमें आ जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 8 से यानी 16, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से यानी 5। ठीक है तो ये हमको फर्स्ट रो मिल गई, इसकी फर्स्ट ही रो रही, इनकी कॉलम्स जितनी थी सारी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे जो ए इंटू बी का मेरे को फर्स्ट रो मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट रो लेने के लिए मुझे इसकी सेकेंड रो पे आ जाना पड़ेगा, ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × −1 तो −6, और −2 × 6 तो −12। नेक्स्ट 6 × 4 = 24,
और माइनस टू इंटू वन माइनस टू. नेक्स्ट सिक्स इंटू एट 48 और माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन. नेक्स्ट फोर, अब ये वाले पे आ जाएंगे, ये सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई. फिर फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर और थ्री इंटू सिक्स 18, फोर इंटू फोर 16, थ्री इंटू वन 3, फोर इंटू एट तो 32 और 3 इंटू फाइव 15. तो यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, तो माइनस टू और 6 मिलके मेरे को 4 मिल गया, ये 9 हो गया, ये 21, यहाँ से मेरे को माइनस 18, यहाँ से मेरे को 22, यहाँ से मेरे को 38, यहाँ से मुझे 14, यहाँ से 19 और यहाँ से 47. तो ये मेरा आंसर आ गया ए बी मैट्रिक्स और 3x3 की मिली आपको. ठीक है, तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस होंगे, ए इंटू बी आपको या बी इंटू ए निकालने के लिए आएंगे, ये भी पूछेगा क्या पॉसिबिलिटी है चेक करने के लिए. तो आप जो है सेकंड एक्सरसाइज ट्राई कीजिए एग्जांपल्स के साथ में. नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड एक्सरसाइज पे भी मूव करेंगे.